हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नाम के साथ फ़ोटो कैसे ऐड करेंगे कि हम नाम पे जाएं और हमें डायरेक्ट फ़ोटो शो हो। ये देखिए, मैं नाम पे जा रहा हूँ और ये मुझे फ़ोटो शो हो रहे हैं। एक्सेल में ये कैसे पॉसिबल है आज मैं आपको ये बताऊँगा। तो आप दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तब जाकर आपको ये सारी चीज़ पूरी तरह से समझ में आएगी कि हमारा कोई लास्ट डेटा हो, स्कूल का डेटा हो, स्टूडेंट का डेटा हो, कंपनी का डेटा हो, तो और कोई सा भी डेटा हो, उस डेटा के साथ नाम के साथ हम कैसे फ़ोटो इस तरह से ऐड करेंगे, यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने कुछ ये इनके फ़ोटो पहले से ले लिए हैं और इनको एक पासपोर्ट साइज में क्रॉप कर लिया है। अब इन एक्सेल में इन फ़ोटो को कैसे इंसर्ट करवाएंगे कि हम नाम पर जाएं और इनका फ़ोटो भी हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि जी आसिफ का फ़ोटो है, ये आसिफ को की सेल में सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से रिव्यू है, इस रिव्यू में न्यू कमेंट, या फिर राइट क्लिक करके भी हम न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर न्यू कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये एक रेड कलर का यहाँ पर ये इस तरह का एक कमेंट आ जाएगा। इस कमेंट को हम सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे फॉर्मेट कमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम जाएंगे कलर्स एंड लाइन्स। जब हम कलर्स एंड लाइन्स पर जाएंगे, यहाँ पर फिल कलर, यहाँ फिर फिल कलर पे क्लिक करेंगे, फिल कलर में हम जाएंगे फिल इफेक्ट, और फिल इफेक्ट में जाएंगे हम पिक्चर। यहाँ से हम वो पिक्चर सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे कंप्यूटर पे हमने आसिफ की जो पिक्चर है वो ये यहाँ से ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद अब ये देखिए, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और ये यहाँ से मैंने आसिफ की पिक्चर ले ली और इंसर्ट करवा ली। यहाँ पे आप ये लॉक पिक्चर एक्सपेक्ट रेशो को ऑन कर लें, इससे जो आपकी पिक्चर है वो स्ट्रेच नहीं होगी। और मैंने इसको लॉक ओके कर दिया और फिर मैंने इसको ओके कर लिया और ओके कर लिया। तो अब आप ये देखेंगे, ये देखिए, अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से छोटी और बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ये छोटी और बड़ी भी कर ली फ़ोटो को, क्योंकि हमने अब हमें जितनी बड़ी साइज़ की रखनी है पिक्चर, ये देखिए मैंने उस साइज़ की पिक्चर रख ली। और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को हटा दूँगा, ये देखिए। अब जब भी मैं इस पे जाऊँगा तो ये देखिए, ये नाम फ़ोटो आ जाएगी। यानी अब एक्सेल में ये पॉसिबल है कि हम नाम के साथ हम फ़ोटो लगाना चाहें तो ऑटोमेटिकली ये देखिए फ़ोटो आ गई। एक बार और मैं आपको दोबारा लगा के बता देता हूँ। जैसे ये सेकंड में वसीम पे गया, वसीम पे यहाँ पे ये रिव्यू टैब में है न्यू कमेंट, ये न्यू कमेंट पे गया मैं और डायरेक्टली मैंने यहाँ से अब ये सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट कमेंट, यहीं से हम राइट क्लिक करके भी हम ले सकते हैं फॉर्मेट कमेंट। ये फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक किया, ये कलर एंड लाइन्स, यहाँ से ये फिल कलर, यहाँ पे फिल इफेक्ट, और यहाँ से पिक्चर, यहाँ से मैं सिलेक्ट पिक्चर करूँगा। पिक्चर मैंने ब्राउज़ की और यहाँ से मैंने ये वसीम की पिक्चर इंसर्ट करवा ली और मैंने इसको लॉक पिक्चर एंड एक्सपेक्ट रेशो को ऑन कर लिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको, ये देखिए, जितने भी इसको बड़ी या छोटी करना चाहूँ, ऑटोमेटिकली मैं इस कमेंट्स को अब मैं ऑटोमेटिकली कमेंट्स को अब मैंने यहाँ पे लिखा एडिट कमेंट। तो आप यहाँ पे ये देखोगे एडिट कमेंट, अब मैं छोटी बड़ी करना चाहूँ तो ये पिक्चर को मैं छोटी और बड़ी कर सकता हूँ। ये देखिए, मुझे जितनी पिक्चर रखनी है उस हिसाब से ये मैं फ़ोटो नज़र आए, ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों मैं हम बहुत ही आसानी के साथ एक्सेल में अपने नाम के साथ फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं चाहूँ तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फ़ोटो, ये देखिए। तो दोस्तों, जब भी फिर हम नाम पे के ऊपर जाएंगे, हमारे सामने नाम के साथ पिक्चर भी शो होगी, ये देखिए।
तो इस तरह से हम नाम के साथ फ़ोटो ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।